नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में RRB रेलवे NTPC 2019 के लिए जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो NTPC के सिलेबस और पैटर्न पे ही डिपेंड होंगे। ये सभी वही क्वेश्चन हैं जो हर साल किसी न किसी एग्जाम में आते रहे हैं और दोस्तों आगे भी एग्जाम में आएंगे। हम इस वीडियो में 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट GS क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि NTPC 2019 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये सीरीज आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि RRB NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो लोग किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम 11 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनका क्या नाम है? तो हमारे ऑप्शन होंगे नृपेंद्र मिश्रा, शशि कांत शर्मा, डॉक्टर PK मिश्रा, प्रदीप कुमार सिन्हा। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर PK मिश्रा। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो डॉक्टर PK मिश्रा है उनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने पोस्ट होल्ड करी है 11 सितंबर 2019 से। इनसे पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो कौन थे? वो थे नृपेंद्र मिश्रा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Who among the following was appointed as the new Union Home Secretary in 2019? 2019 के जो न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी बने हैं उनका क्या नाम है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हमारे ऑप्शंस हैं नरेंद्र नाथ वोरा, अजय कुमार भल्ला, एन गोपालस्वामी, अनिल गोस्वामी। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी। इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव गाबा को। इनका 2 साल का जो फिक्स टेन्योर है एज अ होम सेक्रेटरी वो है अगस्त 2021 तक। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड मुगल्स इन द बैटल ऑफ करनाल? तो दोस्तों, जो मुगल्स को किसने डिफीट करा था बैटल ऑफ करनाल में? तो ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको ज्यादातर पता ही होगा। हमारे ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, दौलत राव, पेशवा बालाजी। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा नादिर शाह। 1739 में नादिर शाह ने मुगल्स को हराया था बैटल ऑफ करनाल में। नादिर शाह फाउंडर थे अफशारिद डायनेस्टी के, जो कि एक पर्शियन डायनेस्टी है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री का कि मुगल्स जो थे उनको किसने हराया था? उनको हराया था नादिर शाह ने। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइट फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स सेलिब्रेशन इट्स 20th raising day in September 2019. The corps was raised in the aftermath of the. तो दोस्तों, जो Elite Fire and Fury Corps जो है उन्होंने जो 20th raising day जो celebrate किया है September 2019 में, वो किस कौन सी लड़ाई की victory के लिए celebrate किया गया है? तो हमारे options होंगे Siachen conflict, Sino-Indian war of 1962, Indo-Pakistan war of 1965 और Kargil war. तो दोस्तों, हमारा correct answer होगा Kargil war. द इलाइट फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स जो है इन्होंने अपना 20th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है 1 सितंबर 2019 को ले में। 1 सितंबर 1999 को कारगिल जीता गया था, इसलिए हर साल 1 सितंबर को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और इस साल 20th कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेचुरल गैस इज मेनली मेड ऑफ, नेचुरल गैस जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो दोस्तों, हमारे ऑप्शन होंगे इथेन, ब्यूटेन, मिथेन और इथाइलीन। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा मिथेन। नेचुरल गैस जो होती है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होती है एनर्जी का, जिसमें मेन जो कंसिस्टेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं मिथेन, जो कि होता है 83%, और इथेन होता है 16%। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो दोस्तों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए,
जो इंडियन 8th शेड्यूल जो है उसमें कौन सी लैंग्वेज इनमें से नहीं है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शंस होंगे संस्कृत, मराठी, बोडो और भोजपुरी। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा भोजपुरी। 8th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पहले 14 लैंग्वेजेस थी, पर अब उसमें जो प्रेजेंट लैंग्वेजेस है वो है 22। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि अब प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट जो लैंग्वेजेस है वो कितनी है, तो वो है 22 लैंग्वेजेस, जिसमें कि जो भोजपुरी लैंग्वेज है उसको ऐड नहीं किया गया है। और इसमें जो लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी वो करी गई थी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इंडिया सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चंदीपुर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जो चंदीपुर सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारे ऑप्शंस होंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। जो इंडिया में जो तीन मेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वो कौन कौन से हैं? वो है थुम्बा तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में और चंदीपुर उड़ीसा में। और दोस्तों जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंडिया में जो कि मेन थ्री हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्री हरिकोटा में और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। तो दोस्तों ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्पेस सेंटर और कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ कहाँ पर हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ मैन मेड ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी एक मैन मेड ग्रीन हाउस गैस है? तो हमारे ऑप्शंस हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये एक मैन मेड ग्रीन हाउस गैस है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। जो सिंगल सिटीजनशिप की जो प्रोविजन है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है? तो हमारे ऑप्शन होंगे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने बोरो किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और भी काफी सारे प्रोविजंस हमने जो बोरो किए हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। बाकी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, इनमें से किस कंट्री को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शंस होंगे इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार और ब्राजील। तो हमारा करेक्ट आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड एक कंट्री है जिसको कि लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। थाईलैंड की जो कैपिटल है वो है बैंकॉक और थाईलैंड की करेंसी है भैत। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क जो है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है इंडिया का। तो हमारे ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क एक इकलौता फ्लोटिंग सेंचुरी है जो वर्ल्ड में, जो कि लोकेटेड है मणिपुर में। और ये लोकेटेड है लोकतक लेक के अराउंड। तो दोस्तों ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द ग्रेट डिरेंजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। तो दोस्तों ये जो बुक है ये किसने लिखी है? तो हमारे ऑप्शन होंगे अमिताभ घोष, कृष्णा सोबती, शंखा घोष, रघुवीर चौधरी। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा अमिताभ घोष। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अमिताभ घोष की जो काफी सारी बुक्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। द ग्रेट डिरेंजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल एक नॉन फिक्शन है जो कि लिखी है अमिताभ घोष ने,
और दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो 54th जनपीठ अवार्ड जो है उसके जो विनर हैं वो कौन रह चुके हैं, तो वो हैं अमिताभ घोष। अमिताभ घोष हैं विनर 54th जनपीठ अवार्ड के। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच कंट्री क्लिंच अंडर 19 एशिया कप टाइटल इन सितंबर 2019। अंडर 19 एशियन कप जो है वो कौन सी कंट्री ने जीता है? तो हमारे ऑप्शंस होंगे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया ने जीता है अंडर 19 एशिया कप 2019, जिसका फाइनल खेला गया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच कोलंबो में सितंबर 16 को। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्रार्थना समाज जो है उसके फाउंडर कौन है? तो हमारे ऑप्शंस हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, एनजी चंद्रवर्कर, उमेश चंद्र दत्ता, आत्माराम पंडुरंग। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा आत्माराम पंडुरंग। डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग फाउंडर थे प्रार्थना समाज के, जो कि फाउंड हुई थी 1867 में मुंबई में। प्रार्थना समाज के दो मेन प्लैंक्स हैं, जो कि हैं सोशल रिफॉर्म और वर्शिप, और आरजी बंदरकर जो हैं वो भी एक मेन लीडर हैं प्रार्थना समाज के। तो दोस्तों ये था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड एट द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा लेक है जो कि सदर्न मोस्ट मोस्ट लैटिट्यूड है इंडिया का? तो दोस्तों हमारे ऑप्शंस हैं लोनर लेक, वेम्बनाड लेक, सांबर सॉल्ट लेक और चिल्का लेक। तो दोस्तों ये चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इंडिया के, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे करेक्ट आंसर है वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक जो है ये लोकेटेड है केरला में, जो कि सदर्न मोस्ट लेटिट्यूड पे है इंडिया के। और लोनर लेक जो है ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। सांबर सॉल्ट लेक जो है ये लोकेटेड है राजस्थान में। चिल्का लेक जो है ये लोकेटेड है उड़ीसा में। तो दोस्तों ये चारों ही इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट वन बाय मैरी कॉम? इनमें से कौन सा अवार्ड ऐसा है जो कि मैरी कॉम ने नहीं जीता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा पद्म विभूषण। मैरी कॉम को पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी के जो अवार्ड जिनसे उन मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है वो है पद्म भूषण, जो कि मिला था उनको 2013 में, अर्जुना अवार्ड 2003 में, पद्मश्री 2006 में और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2009 में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ट्वाइस? इनमें से कौन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 बार? तो हमारे ऑप्शंस हैं के एन नारायणन, कृष्णकांत, मोहम्मद हामिद अंसारी और वेंकट रामन। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिनका टेन्योर था 2007 से लेकर 2012 तक और 2012 से लेकर 2017 तक। अभी भारत के जो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है वेंकैया नायडू। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। डिप्लोफिया डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? डिप्लोफिया डिजीज जो है वो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है? तो हमारे ऑप्शन है ब्रेन, आइज, हार्ट और ईयर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आइज। डिप्लोफिया डिजीज जो होती है इसको मेनली डबल विजन के नाम से जाना जाता है, जो कि रिलेटेड होती है आई से। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का? तो हमारे ऑप्शन है एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन फीस, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा वेल्थ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें जो पर्सन होता है वो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें जो पर्सन होता है वो पहले टैक्स सेलर को देता है और वो जो टैक्स होता है वो सेलर गवर्नमेंट को देता है। तो दोस्तों डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो होते हैं कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स और वेल्थ टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो होते हैं कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन फीस।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द फेमस डांसर रुक्मिणी देवी नीलाकंदा शास्त्री वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। रुक्मिणी देवी जो थी वो कौन से डांस से रिलेटेड हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी और कुचिपुड़ी। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। रुक्मिणी देवी जो है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट डांसर है इंडिया की। रुक्मिणी देवी एसोसिएटेड थी इंडियन क्लासिकल डांसर फॉर्म भरतनाट्यम से, जिनको कि पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है 1956 में। और ये पहली इंडियन लेडी है जो कि नॉमिनेट की गई थी राज्यसभा के लिए। तो दोस्तों इसलिए ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द डोगरी लैंग्वेज इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। डोगरी लैंग्वेज जो है वो कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो हमारे ऑप्शंस होंगे सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड और नागालैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। डोगरी लैंग्वेज एक प्राइमरी लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की, जो कि एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द फेमस सांची स्तूपा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। जो फेमस सांची स्तूपा है वो कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? तो हमारे ऑप्शन है हिंदूज, जैनिज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बुद्धिज्म। सांची स्तूपा जो है ये एसोसिएटेड है बुद्धिज्म से, जो कि लोकेटेड है भोपाल मध्य प्रदेश में, जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 3rd सेंचुरी BC में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वन हिज सिक्स्थ फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन सेप्टेम्बर 2019। फीफा प्लेयर ऑफ द अवार्ड छठी बार किसने जीता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं क्रिस्टिनो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, मोहम्मद सलाह, ईडन हजार्ड। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा लियोनल मेसी। लियोनल मेसी ने अपना 6th फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है सेप्टेम्बर 2019 में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ सदर्न ईस्ट एशियन नेशंस एशियन। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया मेंबर नहीं है एशियन का। अभी एशियन के जो करंटली 10 मेंबर्स हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनी, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। एशियन फाउंड हुई थी 1967 में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देख लेते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है। सौरभ चौधरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। सौरभ चौधरी जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो हमारे ऑप्शंस होंगे चेस, बैडमिंटन, हॉकी और शूटिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा शूटिंग। सौरभ चौधरी एसोसिएटेड है शूटिंग से, जो कि बन गए हैं इंडिया के सबसे यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन एशियन गेम्स। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।